हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GWS 600 एंगल रनर में साउंड अगर आ रहा है तो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, कहाँ पे ये दिक्कत होता है, बेरिंग टूटता है तो बेरिंग को कोई भी चेंज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों बेरिंग टूटता है वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम फिटिंग करने के बाद वो टाइजाम होता है, कभी ये चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ा चला लेते हैं मशीन को। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। मुझे लगा कि इसमें शायद गियर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक आवाज़ आ रहा था, जैसे कि बेरिंग का साउंड नहीं था, वो गियर का साउंड था। तो मैं सही भी था, क्योंकि बेरिंग तो टूटा था बेरिंग इसमें, लेकिन गियर के भी कोई हालत सही नहीं था। तो ये बेरिंग टूटने के बाद कंटिन्यू चलाने के बाद ये ऐसा ही होता है, गियर ख़राब होता है। लेकिन दोस्तों, ये गियर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इसके बाद वजह से थोड़ा गियर यहाँ पर देखिए, ये गियर का साउंड आ रहा था मुझे कि यहाँ पे ये दो तीन गियर थोड़ा थोड़ा ये टूट गया था। इसीलिए दोस्तों, बेरिंग अगर टूटता है तो आप मशीन को ज़्यादा मत चलाइए, बहुत दिक्कत करेगा, आपका गियर टूट सकता है, नहीं तो आपका आर्मेचर भी ख़राब हो सकता है बेरिंग के वजह से। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बेरिंग अगर आपका मशीन में टूटे, आप काम करे हो, मशीन पकड़ के काम, कोई भी चीज़ काम करे हो, काटने के या फिर पॉलिश वगैरह कर रहे हो, तो अगर बेरिंग टूट रहा है तो बिल्कुल भी मशीन को नहीं चलाइए, मत चलाइए। इसमें दिक्कत ये हो सकता है कि गियर ख़राब हो सकता है। देखिए यहाँ पे, देखिए, मुझे लगा था गियर ख़राब होगा, लेकिन ये गियर ही ख़राब था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले तो मुझे लगा कि इसने ओनली ये गियर का ओनली साउंड नहीं है, और का दिक्कत है कि बेरिंग टूटा है। तो इसलिए मैं बैक साइड खोला, बैक साइड खोलने के बाद दोनों कार्बन में, यहाँ पे देखिए कार्बन खोल लिया, फिर चार स्क्रू खोल लेंगे, फिर आपको आ जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर में दो बेरिंग लगता है, ये बहुत ही मुड़ान है। आप गियर हाउसिंग जो बेरिंग होल्डर रहता है, वहाँ पे भी एक बेरिंग लगता है जो गियर पोजीशन में रहता है। 6200 एक बेरिंग वहाँ पे लगता है, वो भी टूटता है, लेकिन इसमें वो सही है, 608 वाला बेरिंग खराब है। तो यहाँ पे मैं उसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे अगर जाम है तो आप चारों तरफ पीट के ऐसे निकाल सकते हो। ये देखिए, ये तरीका रहता है, बहुत सारा लोगों ने मशीन को रिफ़र भी करते हैं, लेकिन परफेक्ट जानकारी चाहिए, फिर आप ये नॉर्मल चीज़ें कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास मशीन है तो आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, कॉइल का हालत बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, एयर डिफ्लेटर भी सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आर्मेचर का वेरिंग खोल लूँगा, जो आर्मेचर का पिनियन रहता है और उसका नॉट रहता है, उसको निकालने के बाद यहाँ पे बेरिंग आ जाएगा, बेरिंग खोल लूँगा तो ये जो बेरिंग है वो टूटता हुआ दिखेगा मुझे। फिर यहाँ पे ये एयर डिफ्लेक्टर भी ख़राब है, ये चीज़ या बैक साइड ख़राब है, ये बहुत ही मुड़ान है। दोस्तों, आप मशीन रिपेयर कर रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, कभी कभी आप मशीन को रिपेयर, बहुत लोगों ने कॉल करते हैं मुझे, भाई मैं बेरिंग चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन हीट हो रहा है मशीन, ये कारण होता है। हमेशा आप चेक कीजिए एयर, जो ये जो फैन रहता है, ये इसको ज़रूर क्लीन कर लीजिए, फिर उसके एयर डिफ्लेक्टर रिंग जो रहता है, अगर आप बेरिंग भी चेंज कर लिए हो, वो थोड़ा टच ज़रूर करेगा, और वो एयर डिफ्लेक्टर रिंग अगर ख़राब होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये फैन को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत सारा मशीन में बेरिंग चेंज करने वाला जाम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहता है, उसका जो फैन में डस्ट घुसता रहता है, फिर ये आप उसको पीटोगे, ये करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आप उसको क्लीन कर लीजिए। अगर ये इम्पोर्टेंट है, ये जो एयर डिफ्लेक्टर है अंदर, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये देखिए, वो होल होना चाहिए परफेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो एयर डिफ्लेक्टर रिंग है, ये देखिए, यहाँ पे ये ख़राब हो गया, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करोगे तो आपका मशीन, अगर आप चला रहे हो, बेरिंग बार बार टूटेगा, ये मुड़ान है। अगर आप बेरिंग नहीं टूटा है तो हीट हो रहा है, तो इसका कारण है। आप ये जरूर एयर डिफ्लेक्टर को चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, बैक का कवर रहता है, वो जो ये जो कवर फैन के ऊपर बैठता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये ख़राब हो चुका है। लेकिन आप उसको लगाओगी तो बेरिंग चेंज कर लोगी, इसको सही सलामत उसको भी लगा दोगे, तो दिक्कत होगा, ज़रूर दिक्कत होगा, तो आप ज़रूर इसको चेंज कर लीजिए, परफेक्ट होगा। 40 से 50 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर लीजिए। अगर इसको चाहिए, आपको चाहिए ये, तो मेरे ये वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे खुद की वेबसाइट का, वहाँ पे जाके कोई भी स्पेयर पार्ट से परचेज कर सकते हो, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा। इंडिया के कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक पीस चाहिए तो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, होलसेल रेट वो अलग रहता है, ये रिटेल रेट है, किसी को अगर रिटेल में चाहिए तो जाइए, होलसेल में चाहिए मुझे खुद कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। होलसेल वाला आप एक दो पीस नहीं ले सकते हो, मिनिमम 10,000 के ऑर्डर होना चाहिए, फिर आपको होलसेल रेट में मिलेगा। रिटेल में चाहिए तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो, तो कोई भी एक भी स्पेयर चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, मैं उसको चेंज कर लिया, बेरिंग 607 608
लगता है इसमें, लेकिन दोस्तों 608 इसमें ख़राब था, एक ही बेयरिंग में इसमें चेंज किया। और ये ज़रूर ध्यान दीजिए, गियर टूटा था तो गियर का जो टूटने का डस्ट है इसके अंदर है, तो आप उसको अच्छा से क्लीन कर लीजिए। ये थोड़ा था उसको मैं क्लीन कर लिया, अभी चार्टो स्क्रू टाइट कर लेंगे, ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास, बेल आइकन को ऑल अगर करोगी ऑल पर प्रेस करोगी। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, अभी हम स्क्रू टाइट कर लेंगे चार्टो, फिर ये रेडी हो जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है आपकी, आपसे एक ही चाहिए हमको, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। तो हमारा मेंबर बन जाइए ज़रूर, ये फ्री में होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक ही चीज़ चाहिए आपका, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, थोड़ा अगर आपका मशीन टाइट हो रहा है, जाम हो रहा है, थोड़ा पीट लीजिए, ये स्मूथ हो रहा है। अगर पीटने के बाद ये स्मूथ नहीं हो रहा तो और कोई दिक्कत है तो ज़रूर उसको चेक कीजिए। किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, जो परफेक्ट हो रहा है तो होने दो, अगर नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा खोल के प्रॉब्लम पकड़िए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको पकड़ में आ रहा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप मुझे मैसेज करते हो, कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हमेशा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देखिए बैक कवर मैं लगा लिया, अब ये रेडी हो जाएगा, स्क्रू टाइट कर लेंगे, मशीन को चला लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ओके, अभी थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत मॉडर्न है, गियर ख़राब है तो ग्रीस आपको थोड़ा ज़्यादा दीजिए। इसमें थोड़ा बहुत गियर ख़राब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साउंड हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए साउंड होगा, पकड़ लो 10 से 20 मिनट, अगर ज़्यादा साउंड हो रहा है तो दिक्कत है, थोड़ा बहुत साउंड हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, 10-20 मिनट के बाद ये फिर क्लियर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बेयरिंग उसका गियर टूटा है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, हम उसका स्क्रू टाइट कर लेंगे, ये रेडी हो जाएगा, कस्टमर कंटिन्यू चला सकते हैं मशीन को, कोई इशू नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये लगभग ये रेडी हो चुका है, चार्टो स्क्रू लगता है इसमें, हम इसको T20 स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टाइट कर लेंगे, तो दूसरी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है लगभग, तो अगर कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, आपको ओनली शिपिंग कॉस्ट लगेगा, और छोटा से छोटा चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो, 100 रुपये का भी ऑर्डर है आपके पास पार्सल हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, मैं सर हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई पेमेंट पहले करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा, आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कोई इशू नहीं है, अभी ये परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों थैंक यू, दोस्तों चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, तो थैंक यू।